श्री गजानन गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा होर्या, मंगल मूर्ति होर्या। जय श्री राम। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान परम दयालु, रिद्धि सिद्ध और शुभ लाभ के दाता गजानन जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। वो सभी लोग परम भाग्यशाली हैं जो इस कोरोना काल के महामारी में भी, इतने सारे झंझटों में जीते हुए भी गजानन जी की तपस्या कर रहे हैं, उनको लेकर के आए हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है, मेरे ख्याल से उनको स्पेशल मार्क्स गजानन जी देंगे। लेकिन कई सारी भ्रांतियां हैं जिसके कारण जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक लेकर के आए हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो भ्रांतियां ये कई लोगों ने बता दिया है कि आपने गणेश जी का पूजा किया तो उनको छूना नहीं, उनको हिलाना नहीं है। तो हिलाने से ऐसे गणेश जी न चले जाएंगे, न बुलाने से आएंगे। कहा गया देवाधीनम जगत सर्वम, पूरा संसार देवताओं के अधीन है। भगवान जो है मंत्राधीनम देवता, मंत्र के अधीन देवता है। तो जब तक आप संकल्प, इसीलिए किया जाता है, जब संकल्प करके विसर्जन कर्म करते हैं उसके बाद उनको विदाई देते हैं, तब वो विदा लेते हैं। हमने जैसे आज पूजा किया, स्थापना किया, तो संध्या वेला में जैसे कि हमने वीडियो एक दे चुका हूँ कि डेली पूजा कैसे करें स्थापना के बाद में, फिर भी आप समझ लीजिए कि संध्या वेला में अथवा रात्रि में सब फूल पत्तियां हटा करके साफ सुथरा, अगर फूल भगवान ने बजट है और मिल गया तो सुंदर सुगंधित फूल से बप्पा का दरबार सजा देना चाहिए। पूजा तो अभी हुई है, जयकारा ही हुआ है, और इसके बाद में प्रसाद फल भी साइड में करके पूरा नीट और क्लीन यहाँ स्थान रहना चाहिए। हाँ, पुष्पों से भले ही भरा हुआ हो। दूसरी बात, ये भी एक बात आती है, लोग कहते हैं हिलाना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो उनकी अज्ञानता है। वस्तुतः क्या है कि ये पार्थिव प्रतिमा, मतलब मिट्टी की प्रतिमा होती थी, तो कहीं ना कहीं खंडित ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसलिए व्यवस्था रखी गई। माँ भी तो अपने बच्चे को उल्टा सीधा कैसे करके नहलाती है, तो यहाँ पर वो भावना है। तो भक्त भी ऐसे भगवान को सुबह उठाएगा, नहलाएगा, करेगा, ऐसा नहीं कि पंचामृत इनके ऊपर डाल दिया, फूल इन्हीं के ऊपर अर्पण कर दिया, मक्खियां जय जय सियाराम उनकी स्तुति कर रही है और घर वाले बैठे हुए हैं कि नहीं इनको छूना नहीं है। अरे भैया, भगवान को हम पूजा करने के लिए बुलाए हैं, ना कि जो है उनको हम सजा देने के लिए बुलाए हैं। इसलिए ये सब जो है मनगढ़ंत बातों में हमें नहीं आना है, अशास्त्रीय बातों में, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है। मालिया यहाँ दुर्गा माता की मूर्ति है, और जो पुजारी सेवा करते हैं तो मैया को श्रृंगार करते हैं ना, लेकिन उनको वो दोष नहीं लगता है। तो ऐसे जो गणेश जी महाराज है, स्पेशली जो छोटे स्वरूप में है, उनको नहलाना धुलाना उनको अच्छी तरह से करना चाहिए। इसीलिए तो अपने यहाँ भगवान मजबूत होते हैं, चांदी में है अथवा अष्ट धातु में, नहीं तो सुपारी में हो गए, अथवा नहीं तो नारियल में हो गए, ताकि उनकी आप मजबूती से सेवा कर सकें। तो इसलिए आप निसंकोच होकर के खूब सेवा कीजिए। हाँ, इनको भी अच्छी तरह से कहीं गंदगी लगे तो फूल से, कपड़े से आराम से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत हिल भी गया तो कहीं कोई दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए निश्चिंत होकर के खूब सजाइए, खूब सेवा कीजिए, आलसी मत बनिएगा, आलस मत कीजिएगा कि नीक ऊपर सब जय जय से आराम छोड़ दिया और हम अपना आराम से बैठे, नहीं, खूब इनको अच्छी तरह नीट और क्लीन रखना चाहिए। और भजन से, अपने जप से, अपने तप से, अगर ये भी नहीं हो सकता तो एक अच्छा सा, आजकल तो तमाम सारे रिकॉर्ड भी बाजार में है जो इनके मंत्र स्तुति की है, वो हमें बजाना चाहिए। ये जो फिल्मी धुन को भजन में उसको डाइवर्ट कर दिएगा वो नहीं, लेकिन जो रियल इनकी स्तुतियां हैं, चाहे मराठी की स्तुतियां हो, चाहे गुजराती की हो, चाहे जहां की हो, वो बड़ा आनंदकारी, जैसे प्रणम शीर्षा देवम है, गणेश चतुर्थी से, अथवा इनके जो गंग गणपते नमः मंत्र का जो है संकीर्तन है। मुझे लगा ये बात रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोग अपने मन से कुछ भी बोलते हैं, उस पर हमें नहीं जाना। इसलिए कहा गया है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, और यूट्यूब की तो महिमा अपरंपार है, जय जय श्री राम कोई कुछ भी बोलेगा। तो हमें समझना है, अपने दिल दिमाग को भी सोच करके करना है। तो निश्चित ही, हालांकि बेचारा कोई भोला है, उसको नहीं पता है, देख लिया किया गया, तो भी गणेश जी नाराज नहीं होंगे, वो आपको ऐसे ही फल देंगे। फिर भी अगर हम कर रहे हैं अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एग्जाम में आप लिखते हैं, राइटिंग भी अच्छी रहती है तो बहुत अच्छी बात है, करेक्ट मार्क्स के साथ, तो भावना के साथ में समझना भी बहुत आवश्यक है। पुनः आप सभी लोगों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की कामनाएं, भगवान गजानन गणेश जी की कृपा पूर्ण रूप से आप सभी को प्राप्त हो, यही भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा होर्या, मंगल मूर्ति होर्या। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, शिव शंकर ब्रह्म बोले।
Yeah.